वेलकम बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आपके सामने देखिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं बच्चों, जिसमें कि आपको पाइथन के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो कि 10 जुलाई को प्रस्तावित है में आ सकते हैं, उनका संग्रह है। और कैसे इनको सॉल्व करेंगे, बस यही आपको सिखाना है बच्चों। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51, व्हाट डेटा टाइप दैट ऑब्जेक्ट बिलो। देख लीजिए बच्चों, प्रश्न बड़ा अच्छा है। L बराबर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है कुछ आइटम 123 हेलो और 1। तो आप जानते हैं बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट से दिया गया जो भी आइटम्स होता है वो आपका लिस्ट डेटा टाइप। क्या होता है? लिस्ट डेटा टाइप। तो पहले का आंसर आप लगाइए ए, यानी 51 का ए हो गया। इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू, की और वैल्यू के संदर्भ में डेटा को संग्रहित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो बच्चों आपको मालूम है कि मैं इसको करेक्ट आंसर लगाता चलूं, हम यूज करेंगे बच्चों किसका, हम यूज करेंगे डिक्शनरी का। 52 का आंसर होगा आपका डी बच्चों। 53 का देखिए, सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट प्रिंट हेलो हाउ आर यू। बताइए हेलो हाउ आर यू ये कैसे प्रिंट होगा। 53 देखिए, पहला से होगा नहीं, जैसा ये फॉरवर्ड दिया है वैसा प्रिंटिंग मांग रहा है। तो बच्चों यहां देखिए, प्रिंट में हेलो लिखा है डैश के साथ, प्लस हाउ आर यू एक साथ लिखा। ये वाला आप जब यूज करेंगे तो आपका आउटपुट जैसा आप चाह रहे हैं वैसे आएगा बच्चों। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रंक। बताइए रिटर्न वैल्यू ट्रंक क्या होगी। ये ट्रंक आपका फंक्शन कह लो, मेथड कह लो, जिसका काम होता है बच्चों, जिसका काम होता है, क्या काम होता है, जिसका काम होता है स्पेस को ट्रंकेट कर देना। तो इसका रिटर्न टाइप बच्चों इंटीजर होगा। 55 नंबर प्रश्न की ओर लेता हूं। व्हाट इज द टाइप ऑफ आई एन टी, है ना, व्हाट इज द टाइप ऑफ आई एन एफ। प्रश्न नंबर 55 है। आई एन एफ का टाइप क्या होता है? फ्लोट होता है बच्चों। क्या आंसर होता है आपका? फ्लोट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सी एम पी फंक्शन। CMP 31 का रिजल्ट क्या होगा बताइए भाई। 56 नंबर प्रश्न। कंपेयर 3 और 1 को जब आप करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा या फॉल्स आएगा? तो बच्चों इसका आंसर फॉल्स आएगा आपका। Which of the following operator has its associative from right to left? तो कौन सा ऑपरेटर है जो राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व होता है? 57 नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोनेंट। ये आपका राइट से लेफ्ट सॉल्व होता है बच्चों। What will be the value of x in following Python expression? इसमें पाइथन एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या होगी? 43.55 प्लस 2/2। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले आपका ये ब्रैकेट, ये डिवाइड सॉल्व होगा तो ये एक हो जाएगा। 1 प्लस 43.55 44.55, और int फंक्शन उसको क्या करेगा? इंटीजर बना देगा बच्चों। तो 58 का करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? 44। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। What will be the value of following expression? इनका आंसर क्या आएगा? 2 plus 4 और 2 multiplied by exponent 4.0। बताइए बच्चों 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये तो हो जाएगा 6.0 और ये 2 की घात 4.0। टू एक्सपोनेंट 4.0 ये आएगा आंसर ए।
में से कौन सा ऑपरेटर ट्रंकेशन डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन जिसको कहा जाता है, 60 नंबर प्रश्न। तो भैया फ्लोर डिवीजन आप जानते हैं, इसको कहा जाता है डबल फॉरवर्ड स्लैश, जो डिवीजन का रिजल्ट तो देता है लेकिन किस फॉर्म में, जो डिवीजन का आपके रिजल्ट तो लाता है लेकिन बच्चों दशमलव हटा देता है। ये हो गया आपका 60 नंबर। 61 नंबर प्रश्न पे आइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 8/4/2, तो 8/4 हो जाएगा 2.0/2, ये तो हो जाएगा 1.0 पूरा, और 8/ ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2.0/2, 4/2 का आंसर होता है 2.0/8। तो बताइए 61 का करेक्ट आंसर बच्चों क्या आएगा, पहला आएगा 1.0 और 4.0। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑपरेटर्स हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, इसमें से किसका सबसे ज्यादा वरीयता होगा, 62 एक्सपोनेंट की वरीयता सबसे ज्यादा होती है बच्चों ब्रैकेट के बाद। 63 नंबर प्रश्न पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप कन्वर्जन, ये है आपका बच्चों पहला, इसमें फ्लोट फंक्शन का यूज हो रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, 29 को बाइनरी बनाना है 64, बी होगा बच्चों, आप 29 को बाइनरी बनाओगे तो इस फॉर्म में नजर आएगा, बिल्ट फंक्शन ऐसे देगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन INT 1011, बताइए बच्चों 65 नंबर, 101 में नहीं आएगा आंसर, इसमें कोई परिवर्तन तो आने से क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर। टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1111 दैट इज 15, वी कैन यूज द फंक्शन, कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, ये देखिए ये आप यूज करेंगे INT 1111 कॉमा, इस एक्सप्रेशन 65 नंबर प्रश्न पे आइए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ एक्स बराबर 15 एंड वाई बराबर 12, बच्चों एक्स एंड वाई ये बिट वाइज ऑपरेटर है, तो 15 को जब आप सॉल्व करते हो और जब आप 12 को सॉल्व करते हो तो 15 का क्या बनता है बाइनरी, 8 4 12 2 14, 1111, और 12 का बाइनरी क्या होता है बोलिए, 1 2 4 8 1 1 0 0, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 67 का, बोलिए बच्चों 15 और 12, पंद्रह और बारह का आंसर क्या आएगा, ये आएगा बच्चों आपका 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिजल्ट्स एन इन एन एरर, इसमें बताइए किसमें आपका एरर आएगा, 68 का, आपका बच्चों ये आपका एरर देगा सी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिट वाइज एक्सॉर, ये होता है बच्चों इसको एक्सवार कहा जाता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन बिन 0x8, 70 नंबर का, 8 का ये बाइनरी होता है 1000,
और जीरो भी आपका लग जाएगा। ये देखिए ये आंसर आएगा, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जहां वन वहां जीरो, जहां जीरो वहां वन। तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट का जब आप करने जाएंगे तो क्या होगा बताइएगा सब लोग। वन वन जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो वन का पूरक क्या होगा बताइए बच्चों। 71 नंबर बड़ा अच्छा प्रश्न है। 71 का ए होगा, जहां भी जीरो है देखिए, वन वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन वन, वन की जगह जीरो और फिर जीरो वन अलर्ट पलट दिया। देख लीजिए बिट वाइज गिव्स वन इफ आइदर बिट्स वन एंड जीरो व्हेन बोथ ऑफ द बिट्स आर वन। 72 नंबर, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ना, ये कि गिव्स वन इफ कोई, मतलब कोई भी एक बिट वन होगी तो वन देगा और दोनों बिट वन होगी तो जीरो देगा। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे यक्स और की है बच्चों। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस 44 का क्या होगा, 73 का बी होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड से, हेलो मॉर्निंग बूल फुल कोलन। 74 नंबर, चौहत्तर का आपका आंसर होगा बच्चों सी। 75 नंबर प्रश्न पे आता हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, एफ कॉमा टी बूल स्पैम। 75 का आंसर क्या होगा, ए होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, क्लास ट्रुथ पास, एक्स बराबर ट्रुथ फंक्शन बूल एक्स। 76 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बी होना चाहिए, ट्रू आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, एक्स बराबर हाई प्रिंट 05d परसेंटेज एक्स। कोई बताएगा आंसर क्या आएगा बच्चों, 77 नंबर। एरर आएगी क्योंकि एक्स में इंटीजर वैल्यू नहीं, हाई स्ट्रिंग है। 78 में क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, एक्स में सैंड फाउंड्री प्रिंट परसेंटेज 56 एस और एक्स। बताइए 78 का बच्चों क्या आउटपुट आएगा, ए आएगा। द आउटपुट ऑफ विच ऑफ द कोड शोन बिलो विल बी, देयर आर फोर ब्लू बर्ड्स, देयर आर परसेंटेज डी। ये आएगा बच्चों, इसका आउटपुट ये आएगा, 79 का आंसर ये आएगा। द फॉर्मेटिंग मेथड वन फुल कोलन लेस देन जीरो रिप्रेजेंट्स द, अस्सीवां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी होगा बच्चों, सेकेंड लेफ्ट। What will be the output of the following Python code, A, B, A, dot format, A बराबर hello, B बराबर word, तो आएगा आपका A में क्या है, hello, word, hello, hello, word, hello, 81, इसका C होगा बच्चों, आंसर आएगा।
बयासी इज इन द फॉलोइंग पाइथन कोड विच फंक्शन इज ए डेकोरेटर। बयासी नंबर का आंसर होगा आपका एमके फंक्शन। द सिंबल अलोंग विद द नेम ऑफ डेकोरेटर फंक्शन कैन बी प्लेस्ड अबव द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन टू बी डेकोरेटेड। इसका क्या होगा, कौन सा सिंबल यूज होता है डेकोरेटर फंक्शन नेम के पहले? 83 नंबर का करेक्ट आंसर लगाइएगा एट द रेट। द फॉलोइंग पाइथन कोड कैन वर्क विथ पैरामीटर्स एनी नंबर। एस्ट्रिक डबल एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, एनी नंबर। आइडेंटिफाइड द डेकोरेटर इन द स्निप आउट ऑफ द कोड। 85 एम की इस फंक्शन का, इस कोड का आउटपुट क्लास है एट द रेट ये एफ ए एक्स प्रिंट। बताइए 86 का क्या आंसर आएगा बच्चों? सौ आएगा सी। सत्तासी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक्स में ए बी सी डी है फॉर आई इन एक्स, तो आई पर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी और आई डॉट अपर, तो आंसर क्या देगा 87 नंबर। कोई अंतर नहीं आएगा, प्रिंट एक्स को करा रहे हैं, लूप आई पे चला रहे हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ट्रू बराबर फॉल्स वाइल ट्रू। नन, कोई आंसर नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन। एक्स में ए बी सी डी फॉर आई इन एक्स, प्रिंट आई डॉट अपर, तो ये ए बी सी डी बड़ा हो जाएगा बस। 90 नंबर का आउटपुट क्या आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर आई इन फॉर एक्स बराबर 123 फॉर आई इन एक्स। एरर आएगी बच्चों, क्योंकि आप इस तरह, ये कोई सीक्वेंस वेरिएबल नहीं है जिसके ऊपर आप इस तरह से लूप चला सके। 91 नंबर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। डी में एक सेट बनाया फॉर एक्स इन डी, प्रिंट एक्स, कुछ नहीं आएगा, 012 आएगा, जो सेट के मेंबर है वही डिस्प्ले हो जाएंगे बच्चों। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर आई इन रेंज 0। एक बार भी नहीं चलेगा। 92 नंबर कोई आउटपुट नहीं देगा बच्चों, क्योंकि रेंज 0 का मतलब क्या हुआ, तो चलना ही नहीं है उसको। इस पाइथन कोड का आउटपुट बताइए, एक्स का मान 2 है फॉर आई इन रेंज एक्स, 0 और 1 के लिए चलेगा, एक्स में बढ़ाते जा रहे हैं, 0 1 आएगा बच्चों। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फॉर आई इन रेंज 10। आई बराबर 5 हो तो ब्रेक हो जाए, एल्स प्रिंट करें किसको, आई को, एल्स प्रिंट हियर, तो क्या होगा, ये आपका 0 से 5 प्रिंट होगा और फिर जब लूप टर्मिनेट होगा 0 से 4 प्रिंट होगा, क्योंकि 5 पे तो लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर क्या प्रिंट करेगा, हियर ए आउटपुट आएगा बच्चों इसका। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक्स बराबर आई फॉर आई इन रेंज 3, 012 आएगा। इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, ए बी सी डी 2 फुल कोलन।
ए बी तो आएगा नहीं बच्चों, दो से शुरू करेगा, जीरो एक दो, ये स्लाइसिंग हो रही है उसी के साथ हो रहा है, तो सी डी आएगा। द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूटिंग स्ट्रिंग डॉट एस्काई लेटर्स कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाई, बताइए किसके द्वारा ये अचीव किया जा सकता है? 97 का बी होगा। वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? एस टी आर का वन हेलो, एस टी आर का टू कॉमा, एस टी आर थ्री वर्ड। एस टी आर का वन माइनस वन से स्टार्ट करने को कह रहा है लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है, और चौथा 98 कुछ नहीं आएगा, शून्य। व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट यूज्ड विथ स्ट्रिंग, इसका नहीं कर सकते, प्लस करोगे जुड़ जाएगा, एस्ट्रिक करोगे रिपीट हो जाएगा। बैक स्लैश एन हेलो आर, ये बच्चों एज इट इज ये बैक स्लैश एन के साथ प्रिंट कर देगा। तो ये इस प्रकार से बच्चों आपके कुछ अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन था, आशा करता हूं कि आपको इसको देखकर कुछ ना कुछ अवश्य जानकारी मिली होगी, और आप ध्यान देंगे तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में अवश्य आएंगे। आने वाली परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको विदा कहता हूँ, अगले पेपर में फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेके उपस्थित होऊंगा बच्चों। धन्यवाद।